कोरोना वायरस को लेकर बांटे मास्क। बरेली आला हसरत ट्रस्ट और युवा बरेली सेवा क्लब ने गांधी उद्यान में कोरोना वायरस को देखते हुए एक जागरूकता अभियान और मास्क वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। सर्वप्रथम आला हसरत ट्रस्ट के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर चगेंस खान और युवा बरेली क्लब के अध्यक्ष गुलफाम अंसारी की अपनी टीम के साथ गांधी उद्यान पहुँचे। आज हम लोग गांधी उद्यान में कोरोना वायरस जो चल रहा है चाइना के थ्रू हमारे देश में फैल चुका है और जिसकी पुष्टि बरेली, पीलीभीत और नोएडा से कल से हमने अखबार के माध्यम से पढ़ी है, तो इसीलिए आज हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जो पब्लिक प्लेस हैं उसमें हम लोग आला युवा बरेली सेवा क्लब और आला हज़रत ट्रस्ट की जानिब से हम लोग यहाँ मास्क बांट रहे हैं, जिससे जो पब्लिक प्लेस है उसमें लोगों को किसी तरह का संक्रमण ना फैले और वो भी इसकी चपेट में ना आए। और यही हमारी प्रशासन से भी गुजारिश है कि वो जो है इस पर जल्द से जल्द इस पर जागरूकता लोगों को फैलाए और हम लोग जितने भी सोशल समाज से भी संगठन है उनको भी हमारी यही अपील है कि सब जगह और जगह जगह जाकर लोगों को इसमें जागरूक करें और इसको फैलने से पहले, अभी हमारे बरेली में दस्तक नहीं दिया लेकिन हमारे पड़ोसी ज़िले में आ चुकी है ये पीलीभीत शहर में, तो हम ये चाहते हैं कि ये बरेली में ना आए। और हम सिर्फ इसका एक ही उपाय है कि हम जितने जागरूक हो सकते हैं उतने हम उसका बचाव है हमारे पास। मैं चंगेज़ खान आला हज़रत ट्रस्ट की जानिब से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो हिंदुस्तान में एक वायरस जो कोरोना वायरस के नाम से पहचाना जा रहा है, जिसकी चाइना से शुरुआत हुई थी और चाइना में उसने एक ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया है जो मौतों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी कई केसेस ऐसे सामने आए हैं। भारत सरकार ने बहुत ज़रूरी कदम उठाते हुए सभी जो बाहर के देश के नागरिक आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग एयरपोर्ट्स पे करी जा रही है, मगर इससे छुटकारा जल्दी नहीं पाया जाता। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, सिर्फ सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। इसी प्रोग्राम के तहत युवा बरेली क्लब ने आला हज़रत ट्रस्ट ने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा और जो एक मास्क होते हैं जिससे बचाव किया जा सकता है, छींकते हैं लोग उससे बचाव किया। मैं चंगेज़ खान आला हज़रत ट्रस्ट से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा जिसमें युवा बरेली क्लब आला हज़रत ट्रस्ट ने मिलकर यहाँ पर लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए उसके बचाव के लिए शुरुआती कदम में मास्क यहाँ पर वितरित कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना से एक वायरस जो एक बहुत उग्र रूप धारण कर चुका है, कई मौतें कई लोगों का शिकार बना चुका है अपने, और उसकी एंट्री भारत में हो चुकी है। समाचार पत्र माध्यम से आप लोगों को और हमें भी ज्ञात हुआ है। भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत हमने इन सभी लोगों को यहाँ पर गांधी उद्यान में उसके बचाव के साथ साथ कि कैसे बचा जा सकता है उसके साथ साथ हमने यहाँ पर मास्क वितरण का भी प्रोग्राम रखा था, जो यहाँ पर मास्क वितरित करा गया है और लोगों को बताया गया है कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है। शासन प्रशासन अपने स्तर पर बचाव कर रहा है, मगर सिर्फ उनके करने से नहीं होगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी आगे आना पड़ेगा। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।